जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहते हैं, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको जरूर दे। आपको आपका प्यार मिले, आपका परिवार मिले, आपके करियर में आपको ढेर सारी सक्सेस मिले। डियर, हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से हमेशा ऐसी ही प्रार्थना करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो डियर, आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग करेंगे कि अगले 7 दिनों में आपकी कौन सी मनोकामना पूर्ण होने वाली है, ईश्वर आपकी कौन सी विश पूरी करने वाले हैं, आपकी कौन सी इच्छा पूरी करने वाले हैं। तो इसमें हमने 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको जो भी ऑप्शन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उसे चूज़ कर लीजिए। फिर आप देखिए कि अगले 7 दिनों में एंजल्स, ईश्वर आपकी कौन सी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं, ठीक है। और देखिए, अगर आपने जो ऑप्शन चूज़ किया है किसी वजह से वो मैच ना हो तो आप दूसरा भी सुन सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, अगले 7 दिनों में ईश्वर आपकी कौन सी मनोकामना पूरी करने वाले हैं, आपकी कौन सी इच्छा पूरी करने वाले हैं, आपकी कौन सी प्रार्थना इन 7 दिनों में स्वीकार होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपके नेचर की बात करते हैं। आप काफ़ी मैच्योर पर्सन हैं, काफ़ी समझदार इंसान हैं। आप काफ़ी समझदार हैं और आप मेहनत करने में चूक नहीं लगाते। आपको लगता है कि कर्मों का ही फल मिलता है, हम जितनी मेहनत करते हैं हमें उतना ही मिलता है। मतलब कि आप आलसी टाइप के इंसान नहीं हैं, आप कर्मनिष्ठ इंसान हैं। आप काफ़ी हार्ड वर्क करना पसंद करते हैं, आप आलस्य नहीं फैलाते। आपको ये नहीं लगता है कि चीज़ें पड़े पड़े रहने से मिल जाती हैं। आपको लगता है कि हार्ड वर्क करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है अगर सक्सेस हासिल करनी है तो आप इस टाइप के इंसान हैं। आप काफ़ी शांत स्वभाव के इंसान हैं। आपको ज़्यादा बोलने वाले लोग और ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन सच ये है कि आप बाहर से बहुत शांत दिखते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन आप अंदर से उतने ही अशांत होते हैं। पूछिए कैसे? आपके अंदर बहुत कुछ चलता रहता है, बहुत सारी चीज़ें करियर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर बहुत टेंशन में रहते हैं। वैसे आप बहुत मास्टरमाइंड हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, हर तरह की समझ है आपको, लेकिन आप अंदर से बहुत ज़्यादा अशांत हैं इस टाइम पर। अपने फ्यूचर को लेकर, अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर, अपने करियर को लेकर, देखिए इन 7 दिनों में आपकी कौन सी मनोकामना पूरी होने वाली है। इन 7 दिनों में आप में से 80% लोगों का रीयूनियन होने वाला है। आप में से बहुत सारे लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं जिनका इन्हीं 7 दिनों के अंदर रीयूनियन होने वाला है। यूनियन नहीं, रीयूनियन होने वाला है। देखिए, एक तो आप में से बहुत सारे लोगों की फिनेंशियल कंडीशन भी ख़राब है, ठीक है, बहुत सारे लोगों की। आपको हाल फिलहाल कोई ऑफ़र मिल रहा था कुछ समय पहले, लेकिन आपका ध्यान किसी और चीज़ में था और आप उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो आपको बाद में बहुत पछतावा हुआ कि काश आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेते तो आज आपकी लाइफ चेंज हो गई होती, आज आपकी ज़िंदगी बदल गई होती। कोई तो ऑफ़र मिल रहा था आपको, लेकिन आप अपनी अशांति की वजह से, अपने टेंशन की वजह से उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर पाए और उसका आपको बहुत ज़्यादा मलाल भी रहा है कि ऐसा हो गया, काश वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया होता तो सब कुछ अच्छा हो जाता। एक्चुअली पास्ट में ही आप किसी का बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं बहुत समय से। आप में से जो लोग मैरिड हैं ना, वो अपने हस्बैंड या वाइफ का वेट कर रहे हैं बहुत समय से। देखिए, आपके रिश्तों में बाहरी लोगों का इंटरफेयर है बहुत ज़्यादा,
ठीक है, जो लोग मैरिड हैं, बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर है, वो आपके रिलेशनशिप को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। वो बार बार कुछ ना कुछ करके आप दोनों को अलग कर ही देते हैं। आप में से बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट भी हैं, स्पेशली अपने हार्ड वर्क की वजह से अपनी लाइफ में सक्सेस भी हैं, लेकिन जो सक्सेस नहीं हैं उनके लिए ये 7 दिन बहुत अच्छे होने वाले हैं। आपको आपके हार्ड वर्क का रिजल्ट मिलने वाला है, आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। लेकिन स्पेशली यहाँ पर 80% लोगों का रीयूनियन होने वाला है, 80% लोग एक होने वाले हैं। आपकी यही वो मनोकामना है जो इन 7 दिनों में ईश्वर पूरी करने वाले हैं। देखिए, ये जो बाहरी लोग हैं ना, जो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं आप दोनों के दरमियान, जो आपके रिश्ते में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये लोग थोड़ा दूर होंगे, आप दोनों के अंदर समझ आएगी और आपके पार्टनर आपके पास खुद चल कर आएंगे, खुद आपको प्रपोजल देंगे। आप दोनों के दरमियान एक बैलेंस क्रिएट होगा, क्योंकि इनकी वजह से आप इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हैं कि आप ना अपने करियर पर फोकस कर पा रहे हैं, ना अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दे पा रहे हैं, किसी काम में आपका मन नहीं लग रहा है। कुछ अच्छी चीज़ भी आपकी लाइफ में आती है, कोई इंसान आपको कुछ अच्छा भी समझाने की कोशिश करता है, तो आप उसे भी इग्नोर कर रहे हैं। आप मतलब मेंटली बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हैं, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है। वैसे आप नेचर वाइज बहुत अच्छे इंसान हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन आप अंदर से इतना ज़्यादा किसी के बारे में डीपली सोच रहे हैं कि उसका शोर आपके अंदर इतना तेज है कि बाहर क्या हो रहा है, कौन क्या समझा रहा है, कौन क्या दे रहा है, क्या ले रहा है, उन सब पर आपका फोकस ही नहीं है, उन सब पर आपका ध्यान ही नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि अगर आपने ईश्वर से प्रार्थनाएं की थी कि आपका रियूनियन हो जाए, आप दोनों फिर से एक हो जाएं, तो डियर बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन 7 दिनों में 80% लोगों का रियूनियन होने वाला है, और हम ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करेंगे कि उन 80% लोगों में से आप जरूर हों। देखिए, जैसे कि आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़। ये आपके करियर से रिलेटेड भी है, समझ रहे हैं, ये आपके करियर से रिलेटेड भी है। हो सकता है कि इन 7 दिनों में कुछ लोगों की लाइफ में कहीं से कोई ऑफ़र आ जाएगा, कहीं से भी कोई ऑफ़र आ सकता है। वैसे तो आपने पास्ट में बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑफ़र्स ठुकराए हैं, लेकिन अब जो ऑफ़र आएगा उसे ईश्वर का ऑफ़र समझ कर एक्सेप्ट कर लेना, रिजेक्ट मत करना, वरना इस बार पछताने का मौका नहीं मिलने वाला, ध्यान रखना। और अवेयरनेस अपने अंदर पूरी तरीके से रखना, ठीक है। देखिए, हमने बताया कि आप में से बहुत सारे लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, तो आप जिनका भी इंतज़ार कर रहे थे वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में आएंगे, आपको कमिटमेंट भी देंगे, लेकिन आपकी अपेक्षा वो अभी भी थोड़ा इमेच्योर ही हैं, तो हो सकता है कि वो कुछ ऐसा बोल दें, इंटेंशन गलत नहीं होगा, पर वो अच्छा कहने की कोशिश करते करते कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे आपको लगेगा कि अरे ये तो आज भी वही है। तो इन सब चीज़ों की वजह से झगड़े भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आप भी अपने माइंड को संतुलित रखना, अपने मन को शांत रखना और चीज़ों को बारीकी से समझने की कोशिश करना। शब्दों पर ध्यान मत दिया करिए कि इंसान क्या बोल रहा है। बहुत सारे लोगों को बोलना नहीं आता, बहुत सारे लोगों की बातचीत करने की क्षमता इतनी अच्छी नहीं होती कि वो किसी को भी अपनी बातों में फंसा सके, अट्रैक्ट कर सके। उनका इंटेंशन कुछ और होता है, लेकिन मुँह से कुछ और निकल जाता है। तो लोगों के इंटेंशन को पढ़ना सीखिए, समझना सीखिए, ठीक है। वैसे आप बहुत समझदार हैं, लेकिन फिर भी हम आपको एडवाइस देंगे कि शब्दों पर ध्यान मत दिया करिए, लोगों की फीलिंग्स पर ध्यान दिया करिए कि वो किस भाव से बोल रहा है, वो किस इरादे से बात कर रहा है, ठीक है। तो डियर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन 7 दिनों में आपको ये गुड न्यूज़ मिलेगी, इन 7 दिनों में आपकी ये मनोकामना पूर्ण होगी कि आपको कहीं से कोई ऑफर मिलेगा और आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन होगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी जिंदगी कहेंगे। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे, आप अपनी परवाह करिए, अपनी खुशियों की परवाह करिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप?
हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो अगले 7 दिनों में आपकी कौन सी मनोकामना पूरी होने वाली है, आपकी कौन सी इच्छा ईश्वर पूरी करने वाले हैं? सबसे पहले आपके नेचर की बात करें, क्योंकि आपका जो नेचर है ना, बहुत कमाल का है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य है, आप किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करते। आपके अंदर जितना सब्र है ना, जितनी सबूरी है ना, सहन शक्ति है ना, इतनी किसी के अंदर नहीं है। आप लोगों को देखकर, लोगों की सक्सेस को देखकर और उनकी क्षमताओं को देखकर, उनके रुतबे को देखकर आपके अंदर ये नहीं आता कि मेरे पास क्यों नहीं है, ये मेरे पास भी होना चाहिए। आप इतने समझदार हैं, इतनी मैच्योरिटी है, आपको लगता है कि कोई बात नहीं, कल हमारे पास भी हो जाएगा। मतलब कि कुछ लोग होते हैं ना, दूसरों की सक्सेस से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं कि उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है, और उसके पास क्यों है, इस तरह की चीज़ें पर नहीं। और पता है, का यही धैर्य, आपकी यही सहनशीलता आपको जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगी, आपको बहुत सारी सक्सेस देगी। आप बहुत ही ज़्यादा सरल स्वभाव के इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा। आपके अंदर किसी भी तरीके का छल कपट नहीं है, दंत फंद नहीं है। जैसे कि एक इनोसेंट सा बच्चा होता है ना, ऐसे इंसान हैं। और आपको पता है, ऐसे लोगों के ही करीब ईश्वर हमेशा रहते हैं। ईश्वर कहते हैं, जो लोग इनोसेंट होते हैं ना, मासूम होते हैं, जिनके अंदर कोई गंदगी नहीं होती, कोई मलिन भाव नहीं होता, मैं हमेशा उनके पास होता हूँ, उनके साथ होता हूँ। क्योंकि बच्चे भगवान का स्वरूप माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर किसी भी तरीके का, किसी के लिए भी कोई राग द्वेष छल कपट कुछ भी नहीं होता। और बिल्कुल ऐसे ही आप भी हैं, ऐसे ही आप भी हैं, बिल्कुल इनोसेंट, बिल्कुल प्योर, एक बच्चे की तरह। और आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि आप बहुत सारे लोगों को हमेशा मार्गदर्शन देते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। आप हमेशा सबको सिखाते हैं कि खरगोश नहीं, कछुआ बनो। मतलब कि कुछ लोग होते हैं ना, ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं खरगोश की तरह। हम सब ने बचपन में वो कहानी पढ़ी होगी कि एक कछुआ था, एक खरगोश था। तो आप खरगोश नहीं हैं, आप कछुआ हैं। धीरे धीरे चलना, लेकिन जब तक अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाना, तब तक आप रेस्ट भी नहीं करते। आपके अंदर ये नहीं है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, आज इतना कर लिया, कल थोड़ा और कर लेंगे। नहीं, आपको लगता है कि आप कोई काम ठाना है, कोई काम हमने उठाया है तो उसे अंजाम तक पहुँचा कर ही आराम करेंगे। इस तरह का नेचर है आपका, इस तरह की आदतें हैं आपके अंदर, जो कि बहुत अच्छी हैं, बहुत ही ज़्यादा। आपको नेचर से बहुत प्यार है, आप नेचर लविंग इंसान हैं, आपको नेचर से बहुत प्यार है। डियर, बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल हैं आप, बहुत ही ज़्यादा। अब चलिए हम बात करते हैं कि आपकी कौन सी मनोकामना इन 7 दिनों के अंदर पूरी होने वाली है। सबसे पहले बात हम उनकी करेंगे जो स्टूडेंट हैं, या फिर जो मैरिड हैं, या फिर अनमैरिड हैं, जो स्वतंत्र नहीं हैं, जो फ्रीडम चाहते हैं, जो कहीं जाकर कोई जॉब, बिजनेस या फिर स्टडी करना चाहते हैं, जिन्हें फ्रीडम चाहिए उनकी फैमिली की तरफ से, तो उन्हें इन 7 दिनों में फ्रीडम मिलने वाली है। हो सकता है कि आपने अपनी फैमिली से कहा हो कि आप कहीं जाना चाहते हैं, और फैमिली मना कर रही थी कि नहीं नहीं जाना, वहाँ तुम नहीं जाओगे, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा मन था, तो अब आप वहाँ पर जा सकेंगे। समझ रहे हैं? आपको फ्रीडम, आपको स्वतंत्रता मिलने वाली है, ये समझ लीजिए। और एक बात, जो लोग अपनी लव लाइफ को लेकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था कि देखते हैं कि हमारी लव लाइफ में क्या सुधार आएगा, तो अगर आपके पार्टनर से आपका झगड़ा हो गया था कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले, तो उनके अंदर काफ़ी चेंज आएगा इन 7 दिनों में। समझ रहे हैं? और सबसे बड़ी मनोकामना हम उनके लिए कहेंगे, सबसे बड़ी इच्छा तो उनकी है, जो बहुत समय से बेबी कंसीव करना चाहते हैं, जो बहुत समय से जैसे कि इंतज़ार कर रहे हैं,
जैसे होता है ना कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारा टाइम हो जाता है शादी का, लेकिन उन्हें बच्चे नहीं होते हैं। तो उन्होंने ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं की थी, बहुत ज़्यादा। तो डियर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है, एक प्यारा सा मेहमान आने वाला है, एक बहुत पवित्र आत्मा आपके घर में जन्म लेने वाली है। समझ रहे हैं? तो ये आपकी वो मनोकामना है जो आप जाने कितने सालों से मांग रहे हैं। तो आपकी ये मनोकामना पूर्ण होने वाली है, आपकी ये मनोकामना पूरी होने वाली है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जो शायद काफ़ी मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना चाहते हैं, जो शायद अपने चक्रों की हीलिंग कर रहे हैं, अपने चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। तो डियर, इन 7 दिनों में आपके चक्रा एक्टिव होने वाले हैं, एक्टिवेट होने वाले हैं, आपके चक्र जागृत होने वाले हैं और आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने वाले हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है इन 7 दिनों के अंदर। तो आपकी कुछ ऐसी ही मनोकामनाएं हैं जो पूरी होने वाले हैं। इधर देखिए, जो स्ट्रांग साइन है वो है जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, उसके बाद है इधर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, फिर है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एरीस लियो सजिटेरियस थोड़ा सा कम है। समझ रहे हैं? तो डियर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको स्वतंत्रता मिलने वाली है। अगर आप बेबी कंसीव करना चाहते थे तो आपको बेबी कंसीव होने वाला है। आपको किसी भी तरीके का ईश्वर की तरफ से कोई ऑफर मिलने वाला है। समझ रहे हैं? कोई ऑफर मिलने वाला है। हो सकता है कि आपके फैमिली में आपकी चलती नहीं थी, आपकी बात कोई मानता नहीं था, आप चाहते थे कि आपकी भी एक इम्पॉर्टेंस हो, लोग आपको भी महत्वपूर्ण समझें। तो आपकी फैमिली में लोगों का जो नेचर था ना, रूड टाइप का, और जैसे कि फीलिंग लेस इमोशन लेस इस टाइप के लोग थे, आपको समझते नहीं थे। तो थोड़ा सा उन सब में परिवर्तन आने वाला है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप में से बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जो अपनी हीलिंग कर रहे थे, वो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने वाले हैं, उनके चक्रास एक्टिवेट होने वाले हैं इन 7 दिनों के अंदर। तो डियर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, अगले 7 दिनों में आपकी कौन सी मनोकामना पूर्ण होने वाली है? आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है? तो डियर, सबसे पहले हम आपके एनर्जी की बात करते हैं। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की स्थिति में हैं, बहुत ज़्यादा, और आजकल अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं। आप छुपा रहे हैं अपने भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार को। शायद पास्ट को लेकर, पास्ट का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ इम्बैलेंस है, सब कुछ, आपको कभी जस्टिस नहीं मिलता। आप हमेशा सबके साथ अच्छा करते हैं लेकिन आपके साथ कभी अच्छा नहीं होता। आपको लगता है कि आपकी लाइफ बहुत स्लो है। आप जितना मेहनत कर रहे हैं, जितने एफर्ट्स लगा रहे हैं, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आपकी मेहनत का आपको फल नहीं मिल रहा है। और रिश्तों में सब कुछ इम्बैलेंस है, क्योंकि लोग आपको समझते नहीं हैं, लोग आपको समझ ही नहीं पाते हैं। इस वजह से अब आपने समझाना छोड़ दिया है, आपने बताना छोड़ दिया है। बहुत सारे लोगों के जीवन में आर्थिक स्थिति उनकी काफ़ी ख़राब है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चलना पड़ रहा है। इन 7 दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति पे सुधार होने वाला है, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है। समझ रहे हैं? आपको शिकायत रहती है कि आपको कभी जस्टिस नहीं मिलता, तो इन 7 दिनों में आपको जस्टिस मिलने वाला है। जो लोग मैरिड हैं, उनके हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, जो उन्हें
इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, उनकी कद्र नहीं करते हैं, उन्हें प्यार नहीं देते हैं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हैं, तो इन 7 दिनों में आपकी यही मनोकामना पूर्ण होगी कि आपका गृहस्थ जीवन बैलेंस हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा आपके रिश्ते में। समझ रहे हैं? और जैसे कि किसी चीज़ के पीछे आप बहुत समय से भाग रहे हैं, आपको हमेशा डर रहता है उसे खो देने का, आपको लगता है कि कहीं वो आपसे दूर ना चली जाए। ये कोई इंसान हो सकता है, अगर आप अनमैरिड हैं तो आप किसी इंसान से प्यार करते हैं तो उसके लिए हमेशा आपको टेंशन रहती है कि कहीं वो आपसे दूर ना हो जाए, कहीं वो आपसे दूर ना हो जाए। तो इन 7 दिनों में आपकी ये टेंशन भी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, आप लव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो टेलीपैथी कर रहे हैं अपने पार्टनर से, उन्हें लव वाइब्रेशंस दे रहे हैं, उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो डियर, इन 7 दिनों में आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाला है। आप किसी को पाना चाहते हैं, लाइक उसके साथ आप यूनियन चाहते हैं, आप उसके साथ शादी करना चाहते हैं, उसका कमिटमेंट पाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा आपके लिए सजेशन ये है कि आज से और अभी से अपनी एनर्जी को बैलेंस करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि आप मेडिटेशन करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, लव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं किसी को मैनिफेस्ट करने के लिए, शायद आप किसी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हों या आपको लगता है कि वो आपका ट्रू लव है, वो आपका सच्चा प्यार है, आप उसके बिना रह नहीं सकते। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस करिए। अगर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हैं ना, तो बाहर जो भी हो रहा है, रिश्ते में हो या फिर करियर में हो, वो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा है। आपके अंदर की जो मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी है ना, वो इम्बैलेंस है। आपकी लाइफ भी इसी वजह से बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो किसी भी चीज़ को संतुलित रूप से नहीं चलाते, जैसे कि कभी तो बहुत ज़्यादा प्यार कर लिया और कभी बहुत ज़्यादा काम पर ध्यान दे दिया। ऐसा नहीं, हर चीज़ को बराबर टाइम दीजिए, बैलेंस बनाकर चलिए अपनी लाइफ में। प्यार को भी उतना ही टाइम दीजिए, परिवार को भी उतना ही टाइम दीजिए और अपने करियर को भी उतना ही टाइम दीजिए। कुछ लोग अपने काम में इतने मगन होते हैं, इतना बिजी होते हैं कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को टाइम नहीं देते हैं, वो जिनसे प्यार करते हैं उन्हें टाइम नहीं देते हैं, और फिर इधर या तो करियर को संभाल लो और या फिर अपनी लव लाइफ को संभाल लो, फिर वो इम्बैलेंस हो जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्यार में दिन रात खोए हुए हैं, करियर के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो हर चीज़ को बराबर टाइम देना है, तभी आपकी लाइफ बैलेंस हो सकेगी, तभी आपकी लाइफ में सब कुछ सही से चल सकेगा। अब ऐसा मत करिए कि किसी को तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी और किसी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। प्यार, परिवार, करियर और ईश्वर। ईश्वर मतलब ये नहीं कि आप शाम सुबह आरती में लगे रहें, शाम सुबह आप मंत्र चैंटिंग करते रहें, नहीं। सिर्फ आप शाम सुबह 10-10 मिनट का मेडिटेशन कर लीजिए, विपश्यना मेडिटेशन कर लीजिए, ठीक है, सिर्फ इतना कर लीजिए, बड़ा सिंपल सा मेडिटेशन है। या फिर आप डेली 10 मिनट का ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन कर लीजिए, देखना आपकी लाइफ में कितना बैलेंस होगा। तो इन 7 दिनों में आपकी जो भी विशेष पूरी होने वाली हैं, वो ये है कि एक तो आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाला है, आपके पार्टनर की तरफ से आपको इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है, आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, आपको प्यार नहीं मिल रहा है, तो आपके पार्टनर की तरफ से जो भी समस्याएँ थी ना, ये सारी ख़त्म होने वाली हैं। और अभी आप बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति को लेकर उलझे हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको है कि आपकी लाइफ बहुत स्लो चल रही है, कोई ग्रोथ नहीं है, तो हो सकता है कि इन 7 दिनों के अंदर आपको थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। समझ रहे हैं? कुछ लोग काफी कंफ्यूजन की स्थिति में है, शायद ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो इन 7 दिनों में आपको क्लियरिटी मिलने वाली है। ये क्लियरिटी आपकी लव लाइफ को लेकर भी है और आपके करियर को लेकर भी है। अगर करियर से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की स्थिति में है कि मैं ये करूं या फिर ये करूं या फिर ये करूं, किस में सक्सेस मिलेगी, तो इन 7 दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे आप क्लियर हो जाएंगे कि हाँ, ये है आपके लिए बेस्ट। और अगर लव लाइफ को लेकर परेशान है, प्यार परिवार में उलझे हुए हैं, या फिर आपकी लाइफ में
एक से ज़्यादा लोग हैं, दो तीन लोग हैं आपकी लाइफ में ऐसे जो बहुत अच्छे हैं, तो आप कंफ्यूज्ड हैं कि तीनों चारों ही बहुत अच्छे हैं, पर मैं किसके साथ अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ाऊं, किसके साथ आगे बढ़ूं फ्यूचर में। तो इन 7 दिनों में लव लाइफ को लेकर भी एंजल्स कुछ ऐसा करेंगे, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो डियर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन 7 दिनों में आपकी कौन कौन सी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम।